कौन सी शर्त है शिव? शर्त ये राधा, शर्त ये है हमारी कि तुमने जो जान बोझ के जमुना की पानी उछाल करके मेरे आंखों पे डाल रही थी, वो तुम्हारा अपराध है, उसका दंड होगा कि तुम हमारे सामने 10 बार, पहले तो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे नाच नाच करके दिखाओ, अगर प्रसन्न हो गया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पहले नाच के दिखाओ उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। ओहो मेरी जान, मेरी डांस को देखो। ओहो श्याम सुनो, क्यों अच्छा नहीं लगा? श्याम जी नहीं नाचना चाहती हो? तुम कितने अच्छे डांस करते हो श्याम। श्याम से बड़ा कोई डांसर हो सकता है? जो यो मीठी मीठी बातें कर रही हो, मुझे बिल्कुल मिर्ची की तरह लग रहा है। मैं तुमसे हंस हंस के बात कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ कर दिया हूँ। मेरे कहने के अनुकूल तुम नाच करके दिखाओ, उसके बाद सोचूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जा। आज राजा को भी पता चले कन्हैया के साथ मजाक कैसा होता है। अवश्य कर दूंगा, परंतु एक शर्त मानना होगा। क्या? हाँ
सर ऐसी कौन सी सर ओ, ये बात है, तुम जानना चाहती हो वो कौन सी शर्त है जो मुझे मानना होगा। देखो राधा, कन्हैया का शर्त ये है कि तुम हमारे सामने 10 बार कान पकड़ के उठक बैठक करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चलो कान पकड़ो। ओहो, शाम मुझे कान पकड़ने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं कान को पकड़ लेती हूँ। बापरे, इतने जोर से कान पकड़ रही थी कि मेरा कान ही उखड़ा जा रहा था। श्याम, तुम्हें तो बोला कान पकड़ने के लिए, तभी तो मैं पकड़ी। हे भगवान, मैं इसको कैसे समझाऊं? अरे राधा, बताइए, ऊपर चढ़ जाओगे।